हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 27 जुलाई 2019 और यह हमारी 204वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी इन प्रॉब्लम्स को निदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में केंद्र द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों आपको इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में बता दें, तो छात्र को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के जरिए सरकार स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए दो तरह की सफलता या सहायता उपलब्ध करवाती है। पहली दोस्तों जो सहायता है वह केंद्र की 10 मिनिस्ट्री और विभाग ने स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से रुपये दिलवाती है। वहीं जो दूसरी यानी सेकेंड हेल्प है वह देश के 35 बैंकों द्वारा चलाई जा रही 95 लोन स्कीम के माध्यम से रुपये दिलवाती है। दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार की 10 से अधिक मिनिस्ट्री की ओर से शिक्षा के लिए स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत इस स्कीम को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, यानी दो तरह के द्वारा यानी दो हेल्प के द्वारा स्टूडेंट के लिए जो है वह सहायता दी जाएगी स्कॉलरशिप के माध्यम से, जिसमें एक तो होगा बैंक और दूसरा होगा सरकारी विभाग। तो आपको याद रखना है विद्या लक्ष्मी योजना हाल ही में लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अहिका मुखर्जी। हाल ही में अहिका मुखर्जी ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिंगल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अहिका ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अहिका ने फाइनल में अपनी ही देश की मधुरिका पाटकर को 4-0 से हरा कर यह गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों तो आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली अहिका पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों वहीं मेंस की बात करें तो हरमीत देसाई ने भी कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार गिरी है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार गिर गई है। दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार हाल ही में गिर गई है। इनकी जगह है बीजेपी की येदियुरप्पा ने हाल ही में सीएम पद की शपथ ली है और इसके बाद दोस्तों ये अपना जो है वह दावा पेश करेंगे। अब दोस्तों बात आई है कर्नाटक की, तो मैप में आपको कर्नाटक के बारे में बता दें, मैप में ये जगह कर्नाटक को दर्शाती है। कर्नाटक की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 में की गई थी। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वह हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है वह हैं बीएस येदियुरप्पा जो बीजेपी से हैं। तो आपको इतना कर्नाटक के बारे में याद रखना है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, कर्नाटक में सिर्फ 3 सीएम ही अपना पूरा कार्यकाल कर पाए हैं, जिनके नाम है निज लिंगप्पा जो 1962 से 68 तक रहे थे, दूसरे हैं डी देवराज जो 1972 से 77 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर रहे, और तीसरे हैं सिद्धारमैया जो 2013 से 18 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर कितना किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 27%। हाल ही में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया गया है। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश में 14 से बढ़ाकर 27% किया गया है। इसके संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन विधेयक विधानसभा में हाल ही में पास हुआ है। दोस्तों राज्य सरकार
ने संविधान की धारा 16(4) के प्रावधान के अनुसार राज्य की प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 63% की है। यानी दोस्तों उसी में ओबीसी का आरक्षण जो है वह 14 से 27% हो गया है, और अगर गरीब सामान्य वर्ग की बात करें तो उनका कुल आरक्षण 73% हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अलावा 50% से ज्यादा आरक्षण देने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो वह महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, झारखंड है, तमिलनाडु है। यहाँ पर 60 से ज्यादा आरक्षण प्राप्त है। अब मध्य प्रदेश भी ऐसा राज्य बन गया है जहां पर कुल 63% आरक्षण दिया जाएगा सभी कैटेगरी के नागरिकों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बोरिस जॉनसन। हाल ही में बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों कंजर्वेटिव नेता और पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों इन्हें कुल 66% वोट मिले हैं, जबकि इनके विपक्ष में जो थे जेरमी हंट, इन्हें 46,656 वोट मिले हैं। आपको बता दें बोरिस जॉनसन को 92,153 वोट मिले हैं और इसके साथ ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों अब बात आई है ब्रिटेन की, तो आपको बता दें ब्रिटेन तीन देशों का समूह है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है। इसकी लार्जेस्ट सिटी लंदन है, तो आपको इतना ब्रिटेन के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय रायसेन जिले में खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय। सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय रायसेन जिले में खोला जाएगा। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नए विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय यह रायसेन जिले में खोला जाएगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी बता दें तो मंगल यातन विश्वविद्यालय यह दोस्तों जबलपुर में खोला जाएगा। सर्व सहारा विवि दोस्तों यह विश्वविद्यालय बरेला में खोला जाएगा। वहीं अगर बात करें इन्फोटेक एजुकेशन सोसाइटी की, तो इसे दोस्तों भोपाल में खोला जाएगा। तो आपको इन चारों के बारे में याद रखना है। अब दोस्तों बात आई है रायसेन की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रायसेन के बारे में बता दें। 5 मई 1950 को जिला बनाया गया था रायसेन। रायसेन किले का विकास राजा राजबसंती द्वारा किया गया था। दोस्तों तीन राजमहल हैं रायसेन किले में। पहला है बादल महल, दूसरा है राजा रोहित महल और इंद्रदार महल रायसेन किले में स्थित है। दोस्तों सांची जिसे पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, यह रायसेन जिले में ही स्थित है। दोस्तों सांची में अशोक द्वारा बनाए गए बौद्ध के स्तूप भी स्थित है। भोजपुर जो राजा भोज की स्थापत्य नगरी थी, यानी राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया था, यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है और यह भोजपुर रायसेन जिले में ही स्थित है। दोस्तों वही बात करें भीम बैठिका की, तो यह भी पुरातात्विक स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और यह भी रायसेन जिले में ही स्थित है। जीव अभ्यारण्य यह भी रायसेन जिले में ही स्थित है। दोस्तों हलाली जिसे अशोक सम्राट राजसागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो बेतवा नदी पर बनाई जा रही है, यह भी रायसेन जिले में ही स्थित है। मृगेंद्र नाथ गुफाएं भी रायसेन जिले में ही स्थित है। मंडी द्वीप जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है मध्य प्रदेश में और देश का पहला ऑप्टिकल कारखाना भी मंडी द्वीप में लगाया गया है, तो यह भी रायसेन जिले में ही स्थित है। तो इतना आपको रायसेन के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केशव दत्त और प्रसून बनर्जी। इन दोनों को हाल ही में मोहन बागान रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको केशव दत्त के बारे में बता दें, तो ये 93 वर्षीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। दोस्तों ये 1948 से 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जिताने वाली टीम हॉकी टीम में शामिल थे। वहीं अगर दोस्तों बात करें प्रसून बनर्जी की,
तो ये जाने माने मिडफील्डर हैं जो भारतीय टीम के हैं। दोस्तों ये फुटबॉलर पीके बनर्जी के छोटे भाई हैं। इन्होंने 3 एशियाई खेलों 1974, 1978 और 1982 में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। अब दोस्तों बात आई है मोहन बागान रत्न अवार्ड 2019 की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें। मोहन बागान रत्न प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसके पहले दोस्तों आपको बता दें विजेता रहे जो हैं उनका नाम है कप्तान शैलेन मंत्रा। दोस्तों यह प्रतिवर्ष 29 जुलाई को दिया जाता है, तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 23 जुलाई को। हाल ही में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। दोस्तों प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। यह प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। अब दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की बात आई है, तो आपको बता दें ऑल इंडिया रेडियो भारत का रेडियो प्रसारक है जो राष्ट्रीय है। इसका आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। यह देश के लोगों के लिए सूचना शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। यह 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम को प्रसारण करता है। तो इतना आपको ऑल इंडिया रेडियो के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उड़ान योजना में कितने हवाई अड्डों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 8 हवाई अड्डों को। हाल ही में भारत में उड़ान योजना के अंतर्गत 8 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना, जिसका आदर्श वाक्य है उड़े देश का आम नागरिक, में 8 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। दोस्तों इस योजना का जो शुरुआत की गई थी वह 27 अप्रैल 2017 को की गई थी। तो आपको इतना उड़ान योजना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले स्पेस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केरल। हाल ही में केरल राज्य में भारत के पहले स्पेस पार्क की स्थापना की जाएगी। केरल सरकार के तिरुवनंतपुरम में अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैश्विक स्टार्टअप्स को आकर्षित करना है। दोस्तों इस पार्क के द्वारा अंतरिक्ष संबंधी तकनीक के विकास के लिए एक हब विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार यह भारत का पहला स्पेस पार्क होगा। राज्य सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर और स्पेस म्यूजियम को स्पेस पार्क का हिस्सा बनाने के आदेश भी जारी किए हैं। अब दोस्तों बात आई है केरल की, तो मैप में आपको केरल के बारे में बता दें। मैप में ये जगह केरल को दर्शाती है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। गवर्नर है पी सदाशिवम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डूरंड कप 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता शहर में डूरंड कप 2019 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों डूरंड कप 2019 का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2 से 23 अगस्त के दौरान किया जाएगा। यह डूरंड कप का 129वां संस्करण होगा। दोस्तों इसे ऐसा पहली बार हुआ है कि यह प्रतियोगिता का आयोजन किसी और शहर में किया जा रहा हो। 128 संस्करण दिल्ली में आयोजित किए गए हैं डूरंड कप के। दोस्तों आपको बता दें डूरंड कप के बारे में, तो दोस्तों यह विश्व की तीसरी और भारत की पहली सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। दोस्तों पहली बार इसका आयोजन 1888 में किया गया था। तो इतना आपको डूरंड कप के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रविंद्र कुमार मलिक। दोस्तों यहाँ पर मालिक नहीं है, यहाँ पर मलिक है। रविंद्र कुमार मलिक ने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों भारतीय बॉडी बिल्डर रविंद्र कुमार मलिक ने मिस्टर साउथ एशिया का
12वां संस्करण अपने नाम किया है। दोस्तों आपको बता दें, मिस्टर साउथ एशिया का यह संस्करण काठमांडू में 20 जुलाई को हाल ही में आयोजित किया गया था। रविंद्र कुमार मलिक ने 80 किलोग्राम वर्ग में यह विजेता रहे हैं। तो आपको याद रखना है, मिस्टर साउथ एशिया का खिताब रविंद्र कुमार मलिक ने जीता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में एनजीटी के अनुसार सफाई का मॉडल कौन सा बेस्ट है? तो उसका सही ऑप्शन था दोस्तों इंदौर। इंदौर का सफाई का मॉडल एनजीटी ने बेस्ट बताया है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में तिरंगे का जन्मदिन मनाया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर आएंगे। तब तक ले नमस्कार, हैव अ नाइस डे।